आज मैं आपके लिए बहुत ही टेस्टी और हेल्दी सेब की बर्फ़ी की रेसिपी लेके आई हूँ। ये बर्फ़ी आप किसी भी व्रत उपवास में भी खा सकते हैं, तो ये स्वास्थ्य के लिए तो अच्छी है ही, साथ ही साथ इसमें बहुत ही अच्छा अमेजिंग टेस्ट आता है, तो एक बार तो ये बनानी बनती है। तो आइए शुरू करें रेसिपी। तो यहाँ पे मैंने 3 सेब लिए हैं, ये वेट में अगर मेजर करें तो आधा केजी के होंगे, तो हमें इसे छिल के ग्रेट कर लेना है। लेकिन जैसे हम इसे ग्रेट करेंगे वैसे ये काले पड़ने लगते हैं क्योंकि इसमें आयरन कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है। तो सबसे पहले हम अपने ये बादाम और काजू को रोस्ट कर लेंगे, उसके बाद हम इसे ग्रेट करेंगे। तो यहाँ पे मैंने 1/4 कप बादाम लिया है, 1/4 कप काजू लिया है। अब इसे बस 3 मिनट के लिए लो फ्लेम पे हमें ड्राई रोस्ट करना है, ज़्यादा देर तक नहीं करना है, बस 3 मिनट के लिए लो फ्लेम पे इसे रोस्ट कर लेंगे हम। और ये देखिए 3 मिनट में ही ये बहुत ही अच्छे रोस्ट हो जाते हैं। तो हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे और इसको जब ये थोड़ा ठंडा हो जाएगा उसके बाद हम इसे ग्राइंड कर लेंगे। तो अब इसे हम ग्राइंडिंग जार में ऐड कर लेंगे जब ये ठंडा हो जाएगा, और इसे पल्स देते हुए हमें ग्राइंड करना है। थोड़ा बहुत दरदरा रहे तो कोई बात नहीं है, थोड़े चंक्स इसमें रह जाएं तो वो अच्छा लगता है बर्फ़ी में। तो अब यहाँ पर हम सेब को छिल के तैयार कर लेंगे और इसके बाद हमें इसे ग्रेट कर लेना है। तो आप कोशिश करें कि बारीक या मीडियम वाले इसे छेद से ग्रेट करें। तो अब मैं तीनों सेब जल्दी जल्दी ग्रेट कर लूँगी और ये देखिए बीज वाला पार्ट हम हटा देंगे। ये देखिए तुरंत ही सेब काले पड़ने लगते हैं, तो इसीलिए ये प्रोसेस हमें थोड़ा जल्दी करना है। एक कढ़ाई में मैंने 1 टेबलस्पून देसी घी रख दी है गर्म होने के लिए, और तुरंत इसमें ग्रेट किया हुआ सेब हम डाल देंगे और इसे अब हम मीडियम फ्लेम पे लगातार चलाते हुए 5 मिनट के लिए पका लेंगे। इससे क्या होगा कि सेब बहुत ही जल्दी पक जाएंगे, इसका जो एक्सेस पानी है वो निकल जाएगा और सेब सॉफ्ट होने लगेगा। ये देखिए 5 मिनट हो गया है, सेब एकदम अच्छे से सॉफ्ट होने लगे हैं, बहुत ही जल्दी जैसा कि मैंने कहा सेब पकने लगता है। तो अब हम इसमें चीनी ऐड करेंगे। यहाँ पे मैंने आधे कप चीनी का यूज़ किया है, आप चाहें तो और भी चीनी इसमें ऐड कर सकते हैं अगर आपको मिठास और ज़्यादा पसंद हो, लेकिन मैं सजेस्ट करूँगी कि आप आधे कप ही चीनी का यूज़ करें क्योंकि सेब भी मीठा होता है। तो इस रेसिपी के लिए आप मीठे वाले सेब का ही यूज़ करें। तो देखिए चीनी इसमें अच्छे से मेल्ट हो चुकी है, 2 से 3 मिनट और पका लेंगे हम कि इसका जो एक्सेस पानी है ये थोड़ा ख़त्म हो जाए। मीडियम फ्लेम पे लगातार चलाते हुए ये जो देखिए इसका एक्सेस पानी है ये हमें ख़त्म कर लेना है। ये देखिए अब आपको पानी बहुत ज़्यादा नहीं दिखाई दे रहा होगा, तो ये सही स्टेज है। हम इसमें ये बादाम और काजू का जो मैंने तैयार किया था ग्राइंड करके ये इसमें ऐड कर देंगे पाउडर। इससे ये देखिए कि इसको कैसे बॉडी मिल जाती है इस रेसिपी को, और साथ ही साथ ये बहुत ही हेल्दी और टेस्टी भी हो जाता है। देखिए तुरंत ही इसको बॉडी मिल गई है, इसने तुरंत ही इसका मॉइस्चर अब्जॉर्ब कर लिया है। तो अब इसको और अच्छा टेस्ट देने के लिए हम इसमें आधा कप डेसिकेटेड कोकोनट ऐड करेंगे, इससे भी ये देखिए जो एक्सेस मॉइस्चर है वो इसका चला जाएगा। अगर आपको बर्फ़ी जो है वो थोड़ी सी स्टिफ पसंद है तो आप इसमें 1 कप तक डेसिकेटेड कोकोनट ऐड कर सकते हैं, नारियल का बुरादा, लेकिन मुझे ये थोड़ी सॉफ्ट अच्छी लगती है और एप्पल का ओरिजिनल टेस्ट ज़्यादा अच्छा लगता है, तो इसीलिए मैंने आधे कप ही डेसिकेटेड कोकोनट का यूज़ किया है। तो ये देखिए तुरंत ही 2 से 3 मिनट में ये अपने आप बाइंड होने लगता है, ये देखिए कैसे एक जगह कलेक्ट होने लगा है। ये देखिए जैसा कि मैंने कहा आप इस रेसिपी में मीठे सेब का ही यूज़ करेंगे तो आपको चीनी भी कम लगेगी। तो यहाँ पे मैंने 1 छोटी चम्मच इलायची पाउडर इसमें ऐड कर दी है, इसको भी मिक्स कर लेंगे। जितना मीठा सेब रहेगा उतना ही चीनी कम लगेगी इस रेसिपी में, तो आप कोशिश करें कि अच्छे क्वालिटी के सेब यूज़ करें। तो देखिए मिक्सचर एकदम डो की तरह बन के रेडी है, तो अब हम गैस की फ्लेम बंद कर देंगे
और एक टिन पे मैंने बटर पेपर बिछा दिया है, उसको मैंने देसी घी से ऑलरेडी ग्रीस करके रखा है, उसमें ये हम मिक्सचर लेके डाल देंगे। ये देखिए, आप चाहें तो सिंपली किसी भी थाली में भी देसी घी स्प्रेड करके ये मिक्सचर डाल सकते हैं। तो ये हम डाल देंगे सारा मिक्सचर, और इसे इस स्पैचुला की सहायता से हम स्मूथ कर लेंगे। तो आप चाहें तो इसे हलवे की तरह भी सर्व कर सकते हैं, लेकिन मैं इसे बर्फ़ी का शेप दूंगी क्योंकि बहुत ही सॉफ्ट होते हैं। ये देखिए, मैंने इसे स्पैचुला से ऐसे ही स्मूथ कर दिया है। अब इसे हम 1 से 2 घंटे के लिए ठंडा होने के लिए रख देंगे। जैसा कि मैंने कहा, आप इसे गरम गरम हलवे की तरह भी सर्व कर सकते हैं, वो भी बहुत टेस्टी लगता है। ये देखिए, मैं इसे रख दूंगी सेट होने के लिए। अब ये लगभग 2 घंटे हो चुके हैं, बर्फ़ी अच्छे से सेट हो चुकी है, तो अब हम इसे कट कर लेंगे। और जो मैंने आपको वीडियो में टिप्स एंड ट्रिक्स बताई हैं, आप वो फॉलो करके बनाएंगे तो आपकी बर्फ़ी भी एकदम परफेक्ट बनेगी और कम चीनी में बहुत ही टेस्टी बर्फ़ी बन जाएगी आपकी। तो ये देखिए, इसे मैंने कट कर लिया है। लास्ट में मैं इसे पिस्ते के साथ गार्निश करूँगी। इस बर्फ़ी की ये खासियत है कि आप किसी भी इसे व्रत उपवास में खा सकते हैं, ये आपको बहुत ही एनर्जी प्रोवाइड करेगा, साथ ही साथ ये बहुत ही हेल्दी और टेस्टी भी है। तो आप भी ये बर्फ़ी ज़रूर बनाएं।